नव हाल ही में एक लीडिंग एड निर्माता ने एक एड के बारे में बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, जहां वे बताते हैं कि जिस एड में अजय देवगन और शाहरुख खान एक साथ एक गुटखा कंपनी का प्रचार करते हुए नजर आते हैं, जहां रिसेंटली उनके साथ अक्षय कुमार भी साथ में नजर आए थे, जिसके बाद काफ़ी विरोध हुआ था। अब ये खबर आ रही है कि ये ऑफर अक्षय कुमार से पहले कार्तिक आर्यन को हुई थी, जहाँ उन्हें इस तंबाकू वाले एड को अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ इंडोर्स करने के लिए करीब 15 करोड़ रुपये ऑफर किया गया था, लेकिन कार्तिक आर्यन ने इस एड को करने से साफ शब्दों में मना कर दिया। इसके बाद ही मेकर्स अक्षय कुमार के पास गए थे। इससे पहले भी कार्तिक आर्यन को पान मसाला ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए कई ऑफर आए, लेकिन हर बार कार्तिक आर्यन इन ऑफर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। कार्तिक आर्यन एक यूथ आइकन है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं और कार्तिक भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार अपनी इन जिम्मेदारियों को समझने के बजाय पैसों के आगे झुक जाते हैं। कार्तिक आर्यन ऐसे एड इंडोर्स ना करने के बावजूद सबसे अधिक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को इंडोर्स के मामले में मनोरंजन सेलिब्रिटी के रूप में सबसे अधिक डिमांड इन्हीं की होती है, चाहे वो कोला और चॉकलेट हो या हाई एंड कार हो, इन सभी को कार्तिक आर्यन को ऑफर किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेलिब्रिटी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।